हेलो हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक 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 रवि चेक 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 का है ये धर्म चक्र विकास का है।
घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, thank you.
हेलो 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 सुप्रभात नमस्कार जोहार। कुछ ही पल में हमारे सीएमडी साहब इस प्रेक्षागृह के पास आने वाले हैं, तत्पश्चात झंडोत्तोलन होगा और सारे का सारे कार्यक्रम ये अंदर हॉल में होगा, प्रेक्षागृह में होगा। सीएमडी साहब आ गए हैं। मैं आदरणीय सीएमडी साहब का स्वागत करता हूं एवं समस्त निदेशक गण का स्वागत करता हूं, सीबीओ साहब का स्वागत करता हूं। परेड निरीक्षण के उपरांत झंडोत्तोलन होगा। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच की ओर जाते हुए सीएमडी साहब, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
निरीक्षण पर जाते हुए हमारे साथ ये भी था निरीक्षण के उपरांत हमारे सीएमडी साहब एवं समस्त विशिष्ट अतिथि के द्वारा बैनर छोड़ा जाएगा। मैं से आग्रह कर रहा हूं कि प्या आगे आए और बैलून उड़ाने की कार्यक्रम करें। बहुत ही विहंगम दृश्य, बारिश भी थमा हुआ है और इस अवसर पे अमृत महोत्सव के तहत 76वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों से आग्रह है कि हॉल की ओर प्रस्थान करें, बाकी का कार्यक्रम हॉल में होगा। झारखंड का पारंपरिक नृत्य सभी अतिथियों से आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण कर लें। 76वीं स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। मैं सर्वप्रथम अपने अध्यक्ष प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री पीएम प्रसाद साहब से आग्रह करता हूं कि वो मंचासीन हो। मैं अपने निदेशक तकनीकी श्री आरबी प्रसाद साहब से आग्रह करता हूं कि वो मंचासीन हो।
मैं सीबीओ साहब श्री एस के सिन्हा साहब से आग्रह करता हूं कि वो मंचासीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। अमृत महोत्सव के अवसर पर एवं स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपने CCL परिवार की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक स्वर्णिम अवसर है जब लाल किला के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री महोदय उद्घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की और हम सभी कोलकर्मी कोयला परिवार के सदस्य बखूबी उन कार्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। शील ने सवारा है, शौर्य ने निखारा है, हिमगिरी से सागर तक देश ये हमारा है, देश ये हमारा है। आदरणीय सज्जनों, इस पवित्र और पावन अवसर पे मैं CMD साहब से आग्रह करता हूँ कि अपने उद्बोधन से हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय CMD साहब। मंच में उपस्थित DTO साहब, CEO साहब और CCL के समस्त परिवार के सम्मानित सदस्यगण, हमारे श्रमिक बंधुओं, श्रमिक संघों का प्रतिनिधिगण, जन प्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण, अधिकारियों, स्टेक होल्डर्स, CASF और CCL सुरक्षा के जवानों, सम्मानित महिलाओं और प्यारे बच्चे एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज़ादी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हाल ही में हम लोग 10 तारीख को तिरंगा झंडा ध्वज लेके हम लोग यहाँ से लेके गांधी हमारा जवाहर नगर कॉलोनी तक लगभग हम लोग 500 साथी हम लोग एक मोर्चा निकाला है। इसी अवसर पर ये 75 वर्षगांठ का पूरा होने और यहाँ के लोक संस्कृति और उपलब्धियों की गौरवशाली इतिहास के याद करने और जश्न मनाने के लिए ये भारत सरकार की एक विशेष पहल है। यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को इसकी विकास यात्रा में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। दोस्तों, इस राष्ट्रीय त्यौहार में हम लोग विगत 13 अगस्त 2022 से हर घर तिरंगा अभियान चला रहा है। इस मुहिम में CCL द्वारा 1.5 लाख से अधिक तिरंगा खरीदकर अपने कर्मियों के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के बीच बांटा गया है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान के लिए कंपनी ने 1.25 करोड़ का झारखंड सरकार को पहले दे चुके हैं और करीबन 75 लाख का और एक इंडियन डाय है, करीबन 2 करोड़ रुपया का हम लोग नगद दे रहे हैं ये प्रोग्राम पूरा राष्ट्र में भी इसको सफलता बनाने के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम उन सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों को परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए खुद को हंसते हंसते नुचौर कर दिया है। उनको एक बार सलाम करता हूँ इस मंच से, जिनकी वजह से हम लोग ये 75 साल से आज़ादी भी मिला है और देश कई रंगों में काफ़ी प्रगति किया, खास करके पिछले 25 वर्ष आखिरी जो 25 साल 1997 से लेकर 2022 तक आर्थिक रंग में हो कोई भी इसमें ये बाकी जो वर्ल्ड में सुपर पावर्स हम लोग टक्कर में है। हमारा कंट्री का GDP देखिए
कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि जिसमें हम जो डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी टक्कर दे रहा है, और आने वाला जो आगे 25 साल में जहाँ देश जब 100 साल पूरा होगा, हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा विश्वास है और हमारा जैसा रूप दिया है प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का, वर्ल्ड में टॉप 3-4 में हम लोग जरूर खड़ा होंगे। और हम उन सभी वीर जवानों को भी नमन करते हुए देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात और हमें सभी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, कोविड महामारी के कारण बहुत से बच्चे अपना माता पिता या परिवार को प्राथमिक कमाई करने वाले सदस्य खो चुके हैं। इनको जलसा का द्वारा एक झारखंड लीगल सोसाइटी की तरफ से हम लोगों को CSR का एक स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें करीबन बच्चे को 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक 180 छात्र छात्राओं को ये स्कॉलरशिप मिला है। और हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आया है इधर में जालसा के तरफ, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के साथ एक प्रोग्राम भी मनाया, इसमें करीब 18 छात्राओं को चेक प्रदान कर चीफ जस्टिस का कर कोमलों से प्रदान हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि CCL अपने हितधारकों को ग्रामीणों तथा समाज के कमजोर वर्गों को समावेशी विकास एवं कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत है। आपको पता लगा होगा कि कई लैंड होस्टिस ग्रामीणों एवं परियोजना प्रभावित सभी लोगों को कंपनी ने नियमानुसार अपनी जमीन के बदले 2 एकड़ में एक नौकरी देता है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक नया CSR स्कीम मंजूर हुआ बोर्ड की तरफ से, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को काम मिल सकता है, चाहे कोयला ट्रांसपोर्टेशन हो या और भी कोई सिविल का काम हो, गार्डनिंग हो, कैंटीन चलाने में हो। 1 करोड़ तक ग्रामीणों को पैप बना के एक रजिस्टर्ड सोसाइटी करके उसके थ्रू काम कर सकते हैं। CCL के कमेंट क्षेत्र में कामगारों को, विशेषकर महिलाओं के लिए 7 सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए कोल इंडिया द्वारा सुलभ्स इंटरनेशनल के साथ एक MOU किया गया है। साथियों, अभी भी सावन का महीना समाप्त हुआ अभी, जिसमें हमारा CSR डिपार्टमेंट तरफ से श्रद्धालु कोविड यात्रा पर जो देवघर आए थे, इनके लिए एक 15 दिन का मेडिकल कैंप चलाया गया है। ये फ्री मेडिकल कैंप है, ये यहाँ पर भी हमारा योगदान है। और CCL द्वारा जो चलाए जा रहे हैं CCL के लाल और CCL की लाडली योजना के तहत बच्चों का IIT की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इस योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष भी 12वीं परीक्षा में 95.4 तक अंक प्राप्त कर अपने परिवार एवं कंपनी के गरिमा बढ़ाई है। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। इसके अलावा कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्कूलों में एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर और भी अनेक कार्य कर रही है। हाल ही में CCL ने CSR के तहत 10 स्कूलों को विकास के लिए जिला प्रशासन कोडरमा के साथ एक MOU किया है। इसके अंतर्गत इन स्कूलों में ₹1.63 करोड़ की लागत की से शौचालय, बोरवेल और 4 दीवारी का निर्माण कराया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति और आकर्षित होंगे। इसी तरह CCL ने CSR के तहत 11 सरकारी स्कूल के विकास के लिए जिला प्रशासन गिरिडीह के साथ 1.83 करोड़ का एक MOU किया है। CSR के तहत कंपनी द्वारा और भी कई कल्याणकारी योजना चलाई जा रहा है। CCL एवं झारखंड सरकार का संयुक्त पहल से झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का गठन किया गया था, जो JSPS के नाम से सभी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में तैयार करना है। प्रशिक्षण के साथ साथ पढ़ाई जारी रखने के लिए भी अनेक सुविधाएं दिए जा रही हैं। JSSPS की जो अकेडमी की तरफ से इन्होंने कई पदक जीता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय में भी विभिन्न अंडर 15 ईयर्स तक अभी पदक जीते हैं। टोटल अभी तक 376 स्वर्ण, 240 रजत, 232 कांस्य सहित कुल 848 पदक हासिल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में एशियाड, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स में
इनका जरूर, चाहे वो आर्चरी का फील्ड हो या शूटिंग या और भी कई डिसिप्लिन में ये लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, जरूर मैं उम्मीद करता हूँ ये झारखंड सरकार, CCL और कोल इंडिया का नाम ऊंचा करेंगे। रिसेंटली ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी इसी प्रांगण में हुआ है, और इसके साथ साथ CSR में हम लोग मोटर ड्राइविंग लाइसेंस का भी करीबन 140 लोगों के लिए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस का ये प्रशिक्षण किया है, वो 140 को लाइसेंस मिला है, तो इसके जरिया वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसे सफल बनाने हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से हम आने वाला पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार खड़ा कर सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख स्तंभ होने के कारण यह मेरी, आपकी और CCL परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि हम देश को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। दोस्तों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के मार्गदर्शन में तय और कोयला सचिव श्री डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब और कोल इंडिया चेयरमैन हमारा श्री प्रमोद अग्रवाल साहब के नेतृत्व में ग्राहकों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। झारखंड सरकार के साथ साथ राज्य के माननीय सांसदों, माननीय विधायकों, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य से कंपनी को लगातार सहयोग हमें मिल रहा है, और क्वालिटी में इस बार पिछले वर्ष कम से कम 20% का हम लोग प्रगति कर चुके हैं, जिससे पहचान में आता है कि हम लोग अगर क्वालिटी कोयला हमारा कंज्यूमर को देते हैं तो मार्केट में एक इसका अपने आप में एक प्रशंसा का पात्र है। इसके लिए मैं पूरा कामगार साथी, स्टाफ, ऑफिसर्स एंड साथ में जुड़े सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोल इंडिया निरंतर 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, CCL के 13 खदानों मगध, अमरपाली, कारो, कोनार, रोहिणी, करकटा, आने वाला समय में जो कोत्रे, बसंतपुर, चंद्रगुप्त, संगमित्र, ये 3 मेगा प्रोजेक्ट भी जुड़ेंगे इसमें, KDH, तापिन, राजारपा और नार्थ उरुमारी, ये 13 खदान विशेष रूप से शामिल किया गया है। विगत वित्तीय वर्ष में 21-22 में CCL ने सर्वाधिक 68.85 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है। CCL के इतिहास में यह अभी तक का सबसे अधिक उत्पादन है। आप सभी के सहयोग से CCL यह कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी कंपनी ने आप लोगों के सहयोग से शानदार शुरुआत की है। हमने विगत वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 22% की वृद्धि दर्ज करते हुए 15.68 मिलियन टन कोयला का उत्पादन, 7% की वृद्धि दर्ज करते हुए 20.08 मिलियन टन ऑफ टेक एवं 20% की वृद्धि दर्ज करते हुए 29.1 मिलियन क्यूबिक मीटर वो भी रिमोल किया है। इसके लिए पूरा कामगार साथी को और श्रमिक संगठनों, ऑफिसर्स, पूरा टीम CCL को मैं बधाई देता हूँ। यह आप लोगों का चलते ये इसमें तो 3 महीना का आंकड़ा दिया है, अभी तक 15 अगस्त करीब 4.5 महीना हुआ है, हम लोग 76 मिलियन टन हम लोगों का लक्ष्य प्राप्त हुआ, 76 मिलियन टन कोयला का उत्पादन, 76 मिलियन टन OB का डिस्पैच का, और वो भी 120 मिलियन क्यूबिक मीटर का। मैं उम्मीद करता हूँ ये जरूर हासिल करेंगे, और हम लोग इंटरनल टारगेट प्लस 80 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए रखे हैं। जितना आप कर सकते हैं नॉन कोकिंग कोल, उतना इम्पोर्ट को हम लोग कटेल कर सकते हैं। दोस्तों, कोयला उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कंपनी द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। पेड़ पौधों मनुष्य के मित्र है, और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को हम ना सिर्फ बचाए बल्कि उसके और सुंदर बनाने के अपना योगदान दें। इसके चलते एक वेबकास्ट के साथ हम लोग एक टेंडर अभी फाइनल हुआ, जिसके साथ हम लोग MOU भी किया है। 9 इको पार्क्स विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग 9 इको पार्क्स डेवलप करेंगे, और इसके साथ हम अगला 5 साल में इसका, जैसा आप सभी जानते हैं अशोका में केवल 1 हेक्टेयर में अशोक वाटिका है, वैसे ही ये 9 में किसी किसी में 25 हेक्टेयर तक भी है, कहीं 8 हेक्टेयर है, कहीं 20 हेक्टेयर है। ये 9 जब इको पार्क बन जाता है,
इसका एक टूरिस्ट प्लेस टाइप भी बन सकता है वहाँ पर। देश की प्रगति के लिए कोयला परिवार सदैव तत्पर एवं प्रयासरत है और आगे भी इसी तरह हम सब अपना अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते रहेंगे। और इसके अलावा हाल ही में कोल इंडिया CSR कमेटी के थ्रू एक 11 डिजिटल डिस्पेंसरीज हम लोगों को मंजूर किया गया। टोटल 25 डिजिटल डिस्पेंसरीज है, इसमें हम लोगों का पैथोलॉजी टेस्ट भी होंगे और टेली मेडिसिन भी होंगे, मतलब दूर का कोई डॉक्टर को इसमें उनके साथ थ्रू नेट के जरिया उसको आपका पेशेंट डॉक्टर के इंटरफेस करके ये 11 डिस्पेंसरीज इस मॉडल में आउटसोर्सिंग करके चलाएंगे। ये कोल इंडिया से अवार्ड हुआ है मगर हम लोग लाभान्वित होंगे, हमारा 11 डिस्पेंसरी इसमें शामिल है। इसके अलावा 1,32,500 पौधा इस साल हम लोग प्लांटेशन किया है और मैं समझता हूँ आने वाला समय में केवल कोयला वो भी डिस्पैच में नहीं है, हम लोग प्लांटेशन में और ये इको पार्क भी जो हम लोग बनाने वाला है प्लांटेशन में ग्रीन जोन तैयार करके एक हम लोगों के ऊपर जो केवल CCL कोयला ही करता है और बाकी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा, जैसे क्वालिटी में मैं बताया हूँ कि कम से कम 20% का ग्रोथ क्वालिटी में इस बार हुआ और इस साल 4.5 महीने सिंगल कंप्लेंट नहीं है, बल्कि जनवरी से आज तक ऑलमोस्ट कंप्लेंट फ्री चल रहा है कोयला का उत्पादन में डिस्पैचेस में। इसके अलावा हम लोग 212 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है, हमारा जो साथी हम लोगों को जो भी जमीन देते हैं और रिसेंटली हम लोग थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कंपेंशन एम्प्लॉयमेंट भी बांटा है, लास्ट वीक में इसका प्रोग्राम हुआ है। उसके अलावा हम लोग 6500 करोड़ राज्य सरकार को इधर इनकम टैक्स और विभिन्न GST और भी बाकी जो हमारा रॉयल्टी NMFT और बाकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से जा रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग बाकी अपना इस पावन अवसर पर सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का संकल्प लें, जिसमें केवल ओपन कैश में नहीं हम लोग अंडरग्राउंड में भी, जैसे चूरी अंडरग्राउंड में कंटिन्यूस माइनर है वैसे पेपरवार UG में भी हम लोग कंटिन्यूस माइनर का इसमें कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ, वैसे अभी परेज ईस्ट अंडरग्राउंड में भी जो 3-4 माइंस को अगर हम लोग बढ़ोतरी देंगे अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन भी जिस दिन हम लोग 3-4 मिलियन लेवल में ले जाएंगे तो उस समय मैं समझता हूँ कि हमारा पर्यावरण को भी अंडरग्राउंड से काफ़ी कम नुकसान होता है ओपन कैश की कंपेरिजन में। और साथ ही में हम लोग साथ साथ 20 मेगावाट का एक सोलर प्लांट का भी टेंडर फाइनल होने जा रहा है सितंबर आखिरी तक, मैं उम्मीद करता हूँ ये अशोका एरिया में 20 मेगावाट का सोलर का प्लांट आएंगे। इसके अलावा इस साल का आने वाला अगला 2-3 साल हम लोग सोलर में भी ऊर्जा में भी हम लोग फोकस रहेगा। इसके बाद हम लोग बाकी जो अपने जवानों को जो बलिदान कर कभी नहीं भूलेंगे, संकल्प ले कि हम अपने आसपास स्वच्छता को भी बनाएंगे, जैसे कि स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाते हैं केवल ये पखवाड़ा में नहीं होना है, साल भर ये 52 सप्ताह हम लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, एक सच्चे भारतीय के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे समर्पण अनुशासन संवेदना निष्ठा और ईमानदारी से करते हुए अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार आज़ादी के पावन पर्व पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अंत में आइए मेरे साथ ऊंचे स्वर पे बोलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय झारखंड, जय कोल इंडिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, उत्साहवर्धन के लिए एवं भविष्य की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए। हमारा कोल इंडिया एक ऐसी महत्वपूर्ण कंपनी है जो देश के ऊर्जा संवर्धन में तो अपना अमूल्य योगदान दे ही रही है, साथ ही साथ सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान भी दे रही है। मैं महाप्रबंधक प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि अपने मुख्य अतिथि एवं समस्त विशिष्ट अतिथि को प्रेक्षागृह में ले जाने की कृपा करें।
इसके पश्चात दो कार्यक्रम हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जो देश भावना के लिए समर्पित हैं। पहला एक डांस परफॉर्मेंस है, नृत्य का कार्यक्रम है डीएवी गांधीनगर के बच्चों के द्वारा। तत्पश्चात हमला नाटक का आयोजन किया गया है जिसे कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, और मैं आशा करता हूं कि ये दोनों देश प्रेरक झलकियां आपको काफ़ी पसंद आएगी। कृपया धैर्य बनाए रखें, मंच थोड़ा सा साफ किया जा रहा है। आइए हम याद करें अपने उन शहीदों को जिनकी कुर्बानी ने हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। हम नतमस्तक हैं अपने राष्ट्रपिता के प्रति एवं अपने देश और भारत माता के प्रति कि आज हम गुलामी की जंजीरों से निकलकर 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। अब मैं डीएवी के बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया मंच पर आकर अपना नृत्य परफॉर्मेंस दें।
शरद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस आकर्षक प्रदर्शन के लिए। तत्पश्चात हमला नाटक होगा और मैं हमला नाटक के सभी कर्मी को आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आए और अपना परफॉर्मेंस दें। राष्ट्र भावना से प्रेरित यह नाटक, ये पूरा का पूरा नाटक वीर जवानों को समर्पित है। किस तरह से वो अपने देश की रक्षा करते हैं, साथ ही साथ यह संदेश भी देता है कि हम इस देश के वासी, समस्त भारतवासी अपने राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता के लिए अग्रसर रहें। और बहुत मार्मिक प्रसंग है इस नाटक में, जो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आज के युग में, आज के दौर में हमारे जवान किस प्रकार देश की रक्षा करते हैं। मंच सज्जा की जा रही है सहायकों के द्वारा, तत्पश्चात नाटक शुरू होगा। इसके बाद तीन कार्यक्रम और हैं, तत्पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाएगी और जलपान एवं स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें। नाटक अब प्रारंभ हो रहा है।
ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या लाचारी थी, कुछ कुत्तों की टोली कैसे तुम शेरों पर भारी थी। वीर शिवा के वंशज थी तुम, जाट क्यों ऐसे धूल गए, हाथों में हथियार तो थे क्यों उन्हें चलाना भूल गए। गीदड़ बेटा पैदा करके मैंने अपनी कोख लजाई है, तेरी बहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है, बुजदिल तेरा भाई है, बुजदिल तेरा भाई है। क्या होगा नहीं होगा,
दुश्मन तो हमला खत्म हो गया जैसे। अरे हमला था ही नहीं, जो दुश्मन हमसे इतनी बार पिट चुका हो वो क्या खाकर हम पर हमला करेगा। तुम्हारी मुस्कुराहट के कारण मैं भी हमले के धोखे में आ गया। पर अभी अभी जो जोरदार गोली मारी हुई है वो कैसी? शेर सिंह, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, मैं इस चौकी पर आए पूरे 10 दिन हो गए और उधर सरहद के पार लगभग 50 गज की दूरी पर बैठे दुश्मन के मिजाज का तुम्हें पता नहीं चला? अरे दुश्मन हमारी ताकत का टोल लगाने के लिए अक्सर मेरे में फुलझड़ी और पटाखों का ये खेलता ही रहता। मैं जानता हूँ, लेकिन जनार्दन ये तो तू भी मानेगा यार, तेरे कुछ ज्यादा ही जोरदार से। हाँ मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि दुश्मन कमजोर होते हुए भी बहुत चालाक और कायर है। ना कोई सबक सीखा है और अभी भी तो उसने ये भी किया है। क्या कहे शेट्टी, हमने तो कुछ कह भी नहीं सकते। तू फिर किस सोच में डूबे? कितनी बात है शेट्टी, यार जनार्दन पिछू मेरी घर की हालत बहुत खराब। मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई का जवाब। तो क्या देश के दूसरे लोगों का कोई ड्यूटी नहीं?
अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो लोग अपने पावर और पॉलिटिक्स के लिए देश को तोड़ रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी की जड़ें काट रहे हैं, और तो और जनार्दन आम आदमी का जीना भी दुभर कर रहे हैं। शेषी, तुम क्यों चुप हो? अरे मैं की दस्सा, मैं तो शर्म नाल गड़ा जा रहा सी। सदा अपना छोटा भरा पंजाब विच पड़ोसी दुश्मन ते चल रहा सत्ताधर राजनीतिक शिकार हो गया सी, ते गुमराह होकर पड़ोसी मुल्क विच आतंकवाद दी ट्रेनिंग लेने चला गया सी। दुश्मन ने पंजाब नु तोड़न वास्ते ओना ते ओना दे साथियां नु ट्रेनिंग दित्ते, हथियार दित्ते, पैसे दित्ते, पर पंजाब लौट कर साडे छोटे भरा नु दूसरे दुश्मना दे नाल पंजाब नु तोड़न वास्ते पंजाब विच नफरत ते अराजकता फैलाई, मासूमों दा खून बहाया, बेगुनाहों दी इज्जत लूटी। और अब क्या हुआ? और अब कुछ दिन पहले वो पुलिस दी मुठभेड़ विच मारा गया सी। पुलिस साडे घर विच तलाशी लेने आई और मेरे बुढ़े बाप नू गिरफ्तार कर ले गई। बहुत बुरा जनार्दन, मैं सच कहंदा मेरे भरा दी मरण दे लई एक जड़ा दुख नहीं हैगा। अरे मैं ते खुसा कुत्ते तेरे कुत्ते दी मौत मरा, दुख तो मैनू बस गलती हैगा कि देश दी रक्षा करन वाले मेरे फौजी खानदान दे कारण कलंक लग गया सी। मेरे बाप दादा सारे फौजी खानदान विच थे। भाई की देती खबर घर से लेटर से मिली है ना? ये लेटर मेरी बीवी दागा तब बहुत परेशान थी ते मैनू फौरन घर बुलाया। अरे तुम कहीं छुट्टी लेकर घर चले जाओ। बिल्कुल छुट्टी दे लई कारण की दसा यार, अपने भरा दी गद्दारी उस दे कारण अपने प्यो दी गिरफ्तारी। नहीं आ रहा नहीं। आए रब्बा, मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा थी। हौसला रख यार जनार्दन, देन माय डिसीजन इज राइट यार। कैसा डिसीजन? यू नो लास्ट मंथ जब मैं वेकेशन खत्म करके अपने घर से लौट रहा था ना, तो मैंने अपने मॉम डैड एंड मंगेतर से साफ साफ कह दिया, देखो मैं अपने देश की डिफेंस की ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जोखिम भरा, इसलिए मेरा ध्यान पटना नहीं चाहिए, हौसला डगमगाना नहीं चाहिए। अगर कोई गुड न्यूज हो तो ही लेटर लिखो, वरना मत लिखो। एंड हाँ मिस्टर जनार्दन, मैं आई टेल यू, मैं जब से इस फ्रंट पे आया हूँ ना, मैं हमेशा विविध भारती के फिल्मी सॉन्ग ही सुनता हूँ, ये बुलशिट कभी रेडियो की न्यूज नहीं सुनी। ठीक कहा जो सब तुमने, आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट का शोर, मारकाट, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, समुदाय के समाचार को सुनकर कई साहस बल टूटता है। घर रही घर वालों की बात, सैकड़ों मील दूर इस उजाड़ बियाबान इलाके में रहकर हम घर वालों का दुख कैसे दूर कर सकते हैं? अरे हर पल हमारी जान हथेली पर रहती है, मौत और जिंदगी में फासला ही कितना है। आपको ढूंढते ही यहाँ आई हूँ, और ये जरूरी तो नहीं कि मैं जब भी आऊँ कोई मेडिकल इमरजेंसी ही हो, कभी कभी कॉफी शॉफी भी पीने आ जाया करती हूँ। तूफान थम गया है, आइए नीचे कैंप में चले। हाँ आप लोगों ने रेडियो की खबरें सुनी? अरे कहाँ सुनी, शेष सिंह को रेडियो से नफरत जो हो गई है। उधर तूफान से बचने के लिए मैं रमैया के बंकर में चली गई, वहाँ जयमाला प्रोग्राम से पहले मैंने सुना कि खास खबर सुनी क्या तुमने? जोजफ। हाँ यारा। यारा तो कुछ देर मेरी ड्यूटी नहीं संभाल ले,
क्यों? कोई बात है क्या भाई साहब? पता नहीं अचानक मेरा जी बहुत मचल रहा है। मैं कुछ देर फ्री हवा विच हाथ लेकर आंदा हूं। उसके घर से एक लेटर आई है उसके भाई की डेथ की खबर लेकर, और उसने जब से वो लेटर पढ़ा है अभी से बहुत परेशान है। उनके भाई का इंतकाल, मैं तो समझती हूँ कि एक सिपाही तभी पूरी दिलेरी और बहादुरी से मोर्चे पर अपनी ड्यूटी संभाल सकता है जब उसे भरोसा हो कि उसके पीछे उसकी बीवी बच्चे सुख चैन से हैं, आराम से। ठीक कहा राशिदा तुमने, लेकिन आतंकवाद और लूट खसोट में लगे देश के लोगों को इस बात का कैसे ख्याल आ सकता है? लगता है दुश्मनों ने फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी। अरे अल्लाह, लगता है रेडियो की खबर सच निकली। कैसी थी खबर? दुश्मन हमारे मुल्क पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। बाहर से फौजी धर-धर सामान मंगवा रहा है, एटम बम बना रहा है, यहाँ तक कि सरहदों पर अपनी फौजी कार्रवाइयां भी तेज कर रहा है। नहीं राशिदा, अरे दुश्मनों ने तो कब से हमला किया हुआ है पंजाब पर। दुश्मन चालाक और काइयां है। तब पिछली हारों से उसने कोई सबक सीखा और अब की उसने दूसरे तरीके से हमला किया। उसने अपने सैकड़ों सिपाही आतंकवादी के भेष में हमारे देश में घुसा दिए और दुश्मनों के वे सिपाही धर्म के नाम पर भाई भाई को लड़ा रहे। अरे बेगुनाहों का खून बहा रहे है और दुश्मन इसी तरह हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। शेटिंग भाई जान, शेटिंग क्या आवाज है? शेटिंग गोलीबारी एक गोली मेरे पेट बीच। चेटिंग तुम्हें कुछ नहीं होगा। चेटिंग की मत रखो। चेटिंग बोलो। चेटिंग कुछ नहीं होगा तुम्हें। चेटिंग बोलो। चेटिंग मैं कंट्रोल में बोलता हूँ। चेटिंग आगे बोलो। चेटिंग चेटिंग तुम्हें पहुंची जवानों। चेटिंग अल्फा टू कंट्रोल रूम। I'm from ground 001. हम पे हमला हुआ है। I repeat, हम पे हमला हुआ है। हमारा एक फौजी साथी घायल है। Please send back up immediately. I repeat, send back up immediately. Right now, over and out. चेतिंग कुछ नहीं होगा तुम्हें। चेतिंग जिनार्दन। हाँ चेतिंग, मैं यही हूँ। चेतिंग बोलो। जिनार्दन, मेरा छोटा प्रा वो गद्दार से। चेतिंग वो किसी दुश्मन का एजेंट है का? अच्छा हुआ वो कुत्ते दी मौत मेरा। लेकिन जनार्दन मेरे बुढ़े माँ बाप। चेतिंग बोलो। चेतिंग नहीं। मेरे बेसारा बीवी बच्चे सब ठीक है। चेतिंग बोलो ना तुम। बोलो।
निशाना नहीं बना है। अरे ये तो बहुत पहले ही मर गया था, उसने आई हुई चिट्ठी को पढ़ते ही मर गया था। इसे बाहर के किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने मारा है। अरे छोटे सगे भाई ने मारा है। रचिता, तुम हमले की बात कर रही थी ना? अरे देश पर हमला हो चुका है, हमलावरों ने इस वीर प्रहरी की हत्या की है। की हत्या चांदी के चंद टुकड़ों के लिए देश की जासूसी करने वालों ने की है। की हत्या स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने वालों ने की है। इसकी हत्या उन कृतज्ञ देशवासियों ने की है जिसके लिए यही सीमा चौकी पर देश की आजादी और अखंडता की रक्षा कर रहा था। दोस्तों, हमारा ये प्यारा भाई देश की आजादी और अखंडता की बलिवेदी पर शहीद हुआ है। भारत माँ के इस वीर सपूत की हम आरती उतार राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसे फौजी सलामी दे। सार्यम दक्षम उदय वंदन बलिदान पर अंतर बलिदान पर। जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार युवा शक्ति को।
और इनकी भाव भंगिमा एवं डायलॉग का संप्रेषण बहुत ही अच्छा था, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो पुनः इनके सम्मान में, उन भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक बार ताली अवश्य बजाएं। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं सीएमडी सर से आग्रह कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए और साथ में हमारे डीटीओ साहब और सीबीओ साहब भी आए। ये प्रभात फेरी जो 10 अगस्त को आयोजित की गई थी, उसके लिए डीएवी के बच्चों को सीएमडी के कर कमलों से एवं हमारे एफडीज और सीबीओ के कर कमलों से पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियों की गूंज होनी चाहिए। ₹10,000 का चेक सीएमडी साहब के द्वारा दिया जा रहा है इन बच्चों को। हर घर तिरंगा के तहत यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी। अब मैं हमला नाटक के सारे कलाकारों को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं सीएमडी साहब, डीटीओ साहब और सीबीओ साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया उन्हें पुरस्कृत करें मोमेंटो और प्रमाण पत्र के द्वारा। श्री मन्नू कुमार श्री सौरभ मेहता, सौरभ मेहता, सुश्री अंकिता कुमारी, श्री समर्थ झा, तालियों की गूंज होती रहनी चाहिए। समर्थ झा, आयुष शर्मा, चिरंजीवी कुमार, अभिषेक राय, श्री अभिषेक, श्री सर्वेश कर्ण, श्री मानव जलान, श्री मानव जलान,
सुश्री प्रीति सिन्हा, सुश्री नेहा कुमारी, और अंत में सुश्री वर्षा रानी। कार्यक्रम के अगले क्रम में मौका है, अवसर है हमारे सुरक्षा प्रहरियों को सम्मानित करने का, जिन्होंने अदम्य साहस एवं वीरता के साथ हमारे CCL कंपनी को सुरक्षित रखा। इसी क्रम में मैं श्री नीलेश कुमार कुज्जू क्षेत्र को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे CMD साहब, CVO साहब एवं DTO साहब से पुरस्कार ग्रहण करें। श्री पुरान मुंडा अरगडा क्षेत्र, श्री दिलीप झा रजरप्पा क्षेत्र, श्री बसदेवा महतो रजरप्पा क्षेत्र, राजा मणि देवी सेंट्रल हॉस्पिटल रामगढ़, नारायण मंडल गिरिडीह क्षेत्र, श्री मुस्तकीम अंसारी गिरिडीह क्षेत्र, श्री अशरफ अंसारी CCL मुख्यालय रांची, श्री सीताराम प्रजापति रजहरा क्षेत्र, श्री धर्मनाथ सिंह मगध संगमित्रा क्षेत्र, श्री राकेश महतो अम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र, तालियों के साथ उत्साहवर्धन होती रहनी चाहिए। श्री उमा शंकर महतो
ढोरी क्षेत्र, श्री उमाशंकर महतो ढोरी क्षेत्र, श्री मानिक दिगार ढोरी क्षेत्र, अब मैं सभी सुरक्षा कर्मियों से आग्रह कर रहा हूं जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, कृपया सीएमडी सर, डीटीओ सर एवं सीबीओ सर के साथ एक यादगार पल के लिए चित्र खिंचवाने आ जाएं मंच पे। श्री यहूदी बारा, इन तीन व्यक्तियों का नाम छूट गया था, श्री यहूदा वारा, श्री रविंद्र कुमार गोप, श्री रंजन कुमार, परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। पूर्व में जिन्हें सम्मानित किया गया, नीलेश कुमार, तोपा परियोजना में चोरों द्वारा काटा घर के समीप जो टावर काटा जा रहा था उसे काटने से बचाया और चोरों को मांडू थाना में सुपुर्द किया। आप सभी सुरक्षाकर्मी कृपया मंच पे आ जाएं। पूरन मुंडा ने इस्पात फैक्ट्री के पीछे अवैध खनन पर जमा किया हुआ 11 टन कोयला जब्त किया। दिलीप झा ने रात्रि पाली में एक होमगार्ड के साथ मिलकर पंप का पाइप लाइन चोरी करने वाले 12 चोरों को भगाकर 4 लेंथ पाइप बरामद किया। श्री वासुदेव महतो ने फील्ड स्विच लेकर भागते हुए चोरों से अकेले भीड़ कर उनसे जब्त किया। राजमणि देवी ने मरीजों के रिश्तेदारों को शांतिपूर्वक डॉक्टर्स राउंड के समय हमेशा वार्ड से हटाया तथा सेवा भाव से हमेशा काम किया। श्री नारायण मंडल ने अवैध खनन को प्रबंधन के साथ मिलकर रोकने की अगुवाई की। श्री मुस्तकीम अंसारी ने कबीराबाद माइंस में अवैध उत्खनन को प्रबंधन के साथ मिलकर बंद करवाया। श्री अशरफ अंसारी ने प्रेस भवन में आग बुझाने का प्रयास किया तथा अग्निशामक विभाग को बुलाकर आग को बुझाया गया। श्री सीताराम ने 7 कोयला ले जा रहे मोटरसाइकिल को जब्त किया और स्थानीय पुलिस के हवाले किया। श्री धर्मनाथ सिंह ने नेतृत्व में गश्ती दल ने गाड़ियों का पीछा किया। जी, सभी श्री राकेश महतो ने 5,590 केजी कोयला जब्त किया। उमाशंकर महतो ने ढोरी क्षेत्र के सभी परियोजनाओं में छापामारी कर 55 रैक और 592 टन अवैध कोयला जब्त किया। श्री मानिक दिगर ने ढोरी क्षेत्र के सभी परियोजनाओं में छापेमारी कर 592 टन अवैध कोयला जब्त किया और प्राथमिकी की। हमारे जो झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के सदस्य हैं, मैं आग्रह करता हूं कि कृपया सीएमडी साहब से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी उपलब्धि की जानकारी दें। आज कार्यक्रम अब अंतिम दौर में है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ
क्योंकि हमारी भारत की मिट्टी चंदन है और विश्वास है कि जिस आशा और उत्साह के साथ आप काम करते हैं, पूरी लगनशीलता के साथ आप काम करेंगे और कोयला क्षेत्र में अप्रतिम पहचान बनाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चाय के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।